सतगुरुने बली बताई बाता जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता काम क्रोध कैद कर राखे काम क्रोध कैद कर राखे लोभ को लीनो नाता जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु संतों की बाणी बाणी मुझूर स्वामी जी महाराज जी की वेद काल मत और दयाल मत का सूरत बुंद सत सिंद तज आई दस वे द्वार सूरत बुंद सत सिंद तज आई दस वे द्वार परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम अपने गुरुदेव सोम अजय के चरणों में नमस्कार करते हैं जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपने सेवा के लायक बनाया, नहीं तो मैं कोई काम का आदमी नहीं। ये उन महान आत्माओं की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने दो वाक्य संत मत के बारे में समझा पा रहे हैं। कहते हालांकि सोमनाथ महाराज जी का समय काल 3 साल मिला, लेकिन बाबा अजय सिंह महाराज जी की सेवा 11 साल मिली और उन्होंने बहुत बड़ी दया किया है। हालांकि जीव को कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या करना, लेकिन उन्होंने दया करके हमें आंध्र प्रदेश में भेज करके सत्संग का कारोबार सौंपा, क्योंकि हमें कन्नड़ और तेलुगु भाषा आती है और इसीलिए आंध्र कर्नाटक में हमारी ड्यूटी लगाई थी। कहते हैं बाबा जी बड़े उदार स्वभाव के थे, उन्होंने हमें वहाँ जंगली और पहाड़ी इलाके में भेज के ऐसे ही नहीं छोड़ा, धन से रूहानियत से और हर तरह से उन्होंने मेरी रक्षा की, मेरी मदद की और आज उनकी ही कृपा है जो आप लोगों के सामने 4 शब्द गुरु की महिमा का बयान कर पा रहे हैं। क्योंकि वो संतों के अंदर ही वो ताकत होती है, वो चाहे तो एक लकड़ी के पुतले से भी सत्संग करा सकते हैं, हम तो इंसान हैं, ये जीव के अपने बस की बात नहीं, ये उनकी ही कृपा है। इसीलिए मैं हमेशा उन महान आत्माओं को माने महात्माओं को लाख लाख करते उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो ये आज स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये आत्मा परम धाम सतलोक सचखंड छोड़ के और मंडल बाय मंडल नीचे उतर के इस काल और माया के नगरी में आई, काल और माया के जाल में आके फंस गई। स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दे के समझाया है। कहते एक जमाना ऐसा था, ये अंडपिंड ब्रह्मांड नहीं था, यानी ये 3 लोग नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं थे, 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं थे, ये दुनिया भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, ये सारी आत्माएं उस परमात्मा की गोद में सतलोक सचखंड में थी और ये बड़े आनंद में थी।
क्योंकि वहां आत्मा परमात्मा ही थी, सब आत्मा परमात्मा का ही रूप थे। लेकिन उस परमात्मा को इच्छा हुआ कुछ देश का रचना किया जाए, तो उस परमात्मा ने क्या किया, अपने अंदर से कला शक्ति प्रकट किया, कला शक्ति यानी शब्द प्रकट किया, और उस शब्द को हुक्म दिया कि जाओ उस देश का रचना करो। तो वो शब्द अनामी से प्रकट होके अगम अलग और सतलोक सचखंड का रचना करके सतपुरुष बन के बैठा। बहुत सारे दिनों तक रचना वही स्टाफ थी, फिर ऊपर से हुक्म हुआ मालिक का, अनामी पुरुष का, कि और भी रचना होना है। तब सतपुरुष ने क्या किया, मालिक का हुक्म मान के सतपुरुष ने अपने अंदर से 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किया और उनको हुक्म दिया जाओ उस देश का रचना करो। तो वो 16 कलाएं एक एक मंडल का रचना करते हुए, यानी वो शब्द एक एक मंडल का रचना करते हुए बैठते चले गए। इस तरह से हमारे अंदर 16 लोक परमात्मा माने वो 16 लोक का रचना हो गया। तो रचना बहुत दिन तक ऐसे ही स्टाफ थी। तो निरंजन को रचना अच्छी नहीं लगी जो परमात्मा की तरफ से मिली थी। तो वो निरंजन कहता है कि यह रचना मैं लगे न प्यारी, मैं रचना रचो कुछ न्यारी। निरंजन कहता है कि हे मालिक, सतपुरुष का ध्यान करके कि मालिक मुझे रचना अच्छी नहीं लगती, मैं अपना खुद का कुछ रचना करना चाहता हूँ। वो भी परमात्मा का बेटा ही था, सतपुरुष ने हुक्म दे दिया क्योंकि रचना होनी ही थी। तो उसने क्या किया, वो मसाला ऊपर जो महासमुंद में बैठे हैं कुरम जी के पास था, वो सामान वहां से वो सामान मांग के लाके उसने 3 लोग बनाए। 3 लोग का रचना, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है आपको संक्षिप्त में, तो ये 3 लोग की रचना तो कर दिया। अब जीव के बगैर कोई रचना शोभायमान नहीं। तो उसने क्या किया, निरंजन ने एक पैर के ऊपर खड़ा होके 64 माने 70 चौकड़ी जू, एक पैर पे खड़ा होके 70 चौकड़ी जू, एक चौकड़ी 4 जुग होता है, ऐसा 70 चौकड़ी जुग एक पैर पे खड़ा होकर उसने तपस्या की। जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, भाई क्या चाहिए, क्योंकि बेटा ही है, तो उन्होंने कहा मुझे जीव भंडार चाहिए, मैंने 3 लोग का रचना किया है, जीव के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं, मुझे जीव चाहिए, आत्मा चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा जीव भंडार जो सतलोक से थोड़ा नीचे और भोर गुफा के पास, तो वो छोटा सा जीव भंडार सौंपने से पहले जीवों को पूछा गया। सतपुरुष ने पूछा, क्यों भाई, इसने नीचे ऐसे 3 लोग का रचना किया है, आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं? तो उसमें 12 आने जीव तो तैयार थे, क्यों भाई और भी रचना देखने को मिलेगा, वो यहाँ आने के लिए स्वेच्छा से तैयार थे। 4 आने भाग जीव तैयार नहीं थे, 25 पैसे भाग। तो सतपुरुष ने कहा, चलो अच्छा, इसने तपस्या की है, मैंने इसको जबान दिया है, तुम चलो, तुम्हें कोई तकलीफ होगा तुम हमारी याद करोगे, तो तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। और इस तरह से उनको जबान दे के सतपुरुष ने उस जीव भंडार उन्हें दे दिया निरंजन को, और कहा तुम अकेले से रचना होने वाला नहीं। तो सतपुरुष ने और एक कला शक्ति अपने अंदर से शब्द प्रकट किया, कला शक्ति का मतलब शब्द, वो ज्योति, और कहा तुम दोनों मिलके जाके रचना करो। तब वो निरंजन और ज्योति, ज्योति का मतलब माया और निरंजन का मतलब माया से रहित ताकत, और वो दोनों वो जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे सतपुरुष के हुक्म से, और नीचे आके अपने स्थान में निरंजन बैठ के निरंजन ने सारी हिदायत माया को बताया, कैसे कैसे रचना करना है, सारा प्लानिंग
माया को सब कुछ बताया, क्या क्या रचना करना है, कैसे कैसे करना है, और रचना सब माया को बताए, ज्योति को, और बता के कहता है तुम रचना करो लेकिन मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं। और सारा प्लानिंग बता के निरंजन खुद वहां से हट गया और जाके श्वेत सुन्न में ध्यान में बैठ गया। और माया ने क्या किया, वो जीव भंडार लेके वहां से थोड़ा नीचे उतरी और झंझरी द्वीप में बैठ के रचना स्टार्ट किया। तो माया ने जीव भंडार में से पहले तीन को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, पहले तीन को पैदा किया माया ने। अब तीन और माया, ये चारों ने मिलके पांच तत्व, और पांच तत्व से 84 लाख खान की रचना कर दिया, जिसमें 30 लाख प्रकार पेड़ पौधे, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे विष्णु ने बनाए, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े शिव ने बनाए, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव, ये दो माया ने बनाए, यानी आदि शक्ति दुर्गा माया ने बनाई। अब 4 लाख पिंड से पैदा होने वाले, 9 महीने में पैदा होने वाले, ये ब्रह्मा ने बनाए। इस तरह से इन चारों ने मिलके 84 लाख शरीर की रचना कर दी और इन आत्माओं को उसके अंदर कैद कर दिया गया, उनमें डाल दिया गया 84 लाख शरीर में। तो पहले आत्मा पवित्र थी और आत्मा निर्मल होने से इसको पिछले जन्म का याद होता था और पिछला जन्म याद होने से कोई बुरा काम नहीं करता था, वो निचले शरीर में जाने के लिए तैयार नहीं थे तो इसका 84 नहीं चलता था। तो उसने क्या किया, फिर निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होकर 64 चौपड़ी युग, पहले 70 अब 64, 64 चौपड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर उसने तपस्या की। जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्योंकि उसकी रचना टिक नहीं पा रहे थे, 84 चल नहीं रहा था, तो जब सतपुरुष प्रसन्न हुए क्या चाहिए, कहता मुझे 3 वरदान चाहिए, क्योंकि निरंजन कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता, माया भी कुछ अपने आप नहीं कर सकती, सब सतपुरुष से मांग के करती है। तो क्या, पहला उसने वरदान मांगा, जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे। देखो पिछले जन्म की याद रहेगी तो कोई बुरा कर्म करेगा ही नहीं, क्यों तो भोगने को जा रहे और 84 नहीं चलेगा। तो उसने पहला वर मांगा कि जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे, और दूसरा वरदान मांगा कि जीव को मैं जहां भी रखता हूं वहां खुशी से रहे। जीव को भरम भरम बोल में, अब मोरी का कीड़ा मोरी में खुश, अब सुअर जो है उसी शरीर में खुश। तो कहते हैं कि जीव को मैं जहां रखता हूं वहीं खुशी से रहे। और तीसरा वरदान मांगा, क्योंकि उसने सुना था सतपुरुष को जीवों को पूछ के भेजा गया, तुम्हें तकलीफ होगा तो हमें याद करोगे, तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। तो उसने तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि महाराज अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं बताए, सत्संग के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करें और जो जीव आपके ऊपर भरोसा करके आवे उसको लेके जावे। उनको भी बांध दिया, तीसरे सतपुरुष को भी बांध दिया। और इस तरह से तब से 84 चलने लग गए, जीव बुलबरम में पड़ गया। तो कहते इस तरह से आके आत्मा सतलोक सत्खंड छोड़ के मंडल बाई मंडल शब्द शब्द के रास्ते से, उसी शब्द के जरिए से ही आत्मा उसी शब्द को पकड़ के नीचे आई और आके सहस्रदल कमल से भी नीचे उतर के इस पिंड में, ये शरीर में दोनों आंखों के बीच में बैठ गए, ये पिंड में 10वें दरवाजे में।
दोनों आंखों के बीच में आत्मा और मन की बैठक है। जब हम गुरु की कृपा से साधन करके नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में जाते हैं, यहाँ तक शरीर सुन्न हो जाता है, तो हमारी तीसरी आंख खुलती है। जब हमारी ज्ञान की आंख खुलती है तो पहले अंदर आत्मा ही नजर आती, क्योंकि आत्मा अंदर बैठी है। आत्मा का आकार है, शब्द और प्रकाश रूप में है, आत्मा का शरीर नहीं है। और आत्मा यही दोनों आंखों के बीच में बैठी है, और बाद में फिर हमारी रूह आकाशवत होती है। और कहते हैं सूर्यमंडल चंद्रमंडल, माने सूर्यमंडल और चंद्रमंडल तारामंडल पार करके ऊपर जाते हैं तो गुरु का दर्शन होता है। और गुरु के कृपा से वो ज्योति और अनंतनाद प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि जो शब्द से इसका संबंध टूट गया था वो शब्द फिर जुड़ जाता है, वो गुरु के कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है। कहते हैं जब हम सहस्त्र उद्दल कमल यानी गुरु के कृपा से वहां जाते हैं तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से जीव सतलोक सचखंड छोड़ के इस काल और माया के जाल में आके मन के दायरे में कर्म करके, क्योंकि निरंजन मन रूपों के अंदर बैठ गया और कर्म करवाने लग गया है, और जीव मन के दायरे में कर्म करके इस तरह से मलिन हो गया, आज 84 लाख शरीर में भटक रहा है। जिस भी शरीर में जावे इसको सुख और शांति नहीं। अब दूसरे शरीर की तो बात ही छोड़ो, इस मानव शरीर में किसको सुख शांति है? तो वही महात्मा कहते भाई, ना सुख तन दौलत में है, ना सुख मान बढ़ाई, और ना सुख राज्य में, सुख उस मालिक के नाम में आपके अंदर है। जब आप गुरु का हुक्म मान के नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में आओगे, आपकी रूह अंदर जाएगी, आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। शब्द को ही संत नाम करते हैं। तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो आज आपका शत्रु है, जब उसको शब्द की लज्जत मिलती है तो जाके वो शब्द से जुड़ जाता है, क्योंकि मन लज्जत का आशिक है, इसको आनंद चाहिए, लज्जत चाहिए, ये कहीं स्थिर नहीं होता है, भटकते रहता है। जब तीन लोगों में सबसे अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए, लज्जत मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो मन जाके उसी में समा जाता है। वो क्या चीज है? वो शब्द है जो हमारे दसवें दरवाजे में दुनकार दे रहा है। उसमें इतना आनंद है, इतनी कशिश है, इतना सुख है जो तीन लोग की कोई भी चीज में नहीं। जब वो सुख मन को मिलता है तो मन दुनिया को लात मार देता है और जाकर शब्द से जुड़ जाता है, और शब्द को छोड़ के फिर बाहर आना ही पसंद नहीं करता। तो जो मन आज आपका शत्रु है वो कल मित्र बन जाता है। मन को सोची हो जाती है, क्योंकि मन भी भूला है, इसको पता चल जाता है कि अरे मैं तो ब्रह्म से आया हूं, मेरा देश ब्रह्म है, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं दुनिया नहीं, सब छोड़ देता है मन, जाके शब्द से जुड़ जाता है। और मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने माल समान। कहते हैं तब मन की मदद सूरत को आत्मा को मिल जाती है, अभी रुकावट है मन, तब वो दोस्त बन जाता है, वो हमें आगे जाने के लिए मदद करता है, और दोनों बड़े आराम से ऊपर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि सूरत तो पहले ही निर्मल है, वो अपने पिता के चरणों से जुड़ना चाहती है, लेकिन रुकावट मन की ही थी। जब मन खुद उसको सपोर्ट देता है तो सूरत का स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे वेगवान चीज क्या है? कोई कहता है बिजली, कोई कहता है हवा, कहते नहीं, सबसे वेगवान चीज जो है मन है। आप अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका का संकल्प ख्याल उड़ते ही वो अमेरिका में। आप बताओ, अमेरिका के नजदीक तो नहीं है ना, फ्लाइट से जाने के लिए 24 घंटे चाहिए। अब सात समुद्र पार तो 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको जाके आने में। अब बताओ मन का इतना स्पीड है। और मन जो है स्वयं ताकत नहीं है, आत्मा के पावर से काम कर रहे हैं।
जब मन में इतनी ताकत है तो हाथों में भी कितनी ताकत होगी जो सतलो सचखंड की रहने वाली है। कहते बेहिसाब मन से लाखों स्पीड ज्यादा है, लाखों गुना आत्मा की स्पीड ज्यादा है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। मन जो है आत्मा के पावर से चेतन हुआ है। अब उसमें इतनी बड़ी ताकत है तो आत्मा में कितनी ताकत होगी। अब देखो ऐसी आत्मा आज क्या हालत है। आज अपने आप को भूल करके जीवात्मा समझ के शरीर समझ के आज कितना दुखी है दुनिया में। किसी भी इंसान से पूछो क्यों भाई सब कुशल है तो पहले सब लोग कह देते महाराज कुशल है सब आपकी कृपा से या तो मालिक की कृपा से। पांच मिनट खड़े हो जाओ पीछे ही दुख का पुराण चालू हो जाता अंदर से। अब सारा दिन सुनो तो खत्म नहीं होता है फिर कुशल कहां से। इसीलिए तो महात्मा कहते भाई कहते कुशल कहां से होए, जराम हुआ ना फेम हुआ कुशल कहां से होए। जिसके पीछे कहते डर है, बुढ़ापा लगा है, डर लगा हुआ है तो कुशल कहां से होए। कहते कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कुशल कहां है, शांति कहां है, आपके अंदर है, नाम में है, बाहर नहीं। इसलिए तो गुरु नानक ने भी कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने उस शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लिया, नाम को अपने अंदर प्रकट कर लिया, वो सुखी है। और बाकी जिसने दुनिया से प्रेम प्यार किया वो दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी, दोनों दुखी है। राजा महाराजा के अंदर भी तृष्णा रूपी आग जलते रहती, चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कितना कितना भी भरा हो तृष्णा रूपी आग उनके अंदर भी जलते रहती है। ना पाके भिख मांगे दुखी है, धन की चिंता करके सब कुछ रह के राजा महाराजा भी दुखी है। सुखी कौन है, सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन गए, जिन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया, सदगुरु चरणों से जोड़ लिया, नाम का रूप हो गए, वो सुखी है। सुखी संत को दास, वो दास सुखी है। और जिन्होंने दुनिया से प्रेम प्यार किया वो कोई सुखी नहीं, राजा से लेके वंश तक सब दुखी है। इसलिए महात्मा कहते हैं किस तरह से वो आत्मा सतलोक सचखंड छोड़ के मंडल बाई मंडल उतर, तो उसी शब्द के जरिए उतर के आज हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच में दसवें दरवाजे में आके स्थिर हो गए। सूरत बुंद सत सिंद तज आई दसवे द्वार, वहां से उतरी पिंड देते हैं कि आत्मा मन और इंद्रिय का साथ पकड़ के उल्टा हो गया। आत्मा भूल भरम में पड़ गई। क्या होना था, आत्मा के बस में मन होना था, मन के बस में इंद्रियां रहनी थी, लेकिन उल्टा हो गया। इंद्रियों के बस में मन हो गया है, मन के बस में आत्मा हो गई। आत्मा जहां मन जहां चाहे वहां खींच के लेके जाता है, तो उल्टा हो गया है। इसीलिए ये दुखी है। कहते जब इसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है, जब ये रोज सिमट के दसवें में आती है, अपने आप को अपना स्वरूप देख लेती आत्मा, तब इसको भरोसा हो जाता है, फिर ये छोड़ देती है सब और गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लेती है। अरे मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सतलोक सचखंड की रहने वाली हूं, मुझे अपने पिता से मिलना है।
तो छोड़ देती है, लेकिन तब तक ये इसे परेशान करते हैं, कहते हैं कि आज ये आत्मा दुखी है और इन्हीं के दायरे में कर्म करके ही आज 84 के जेल खाने में भटक रही है, कुत्ते बिल्ली के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में जाके कर्जा चुका रही, वही आत्मा है जो आप इसमें बैठी हुई है। कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे के अंदर कोई दूसरी आत्मा नहीं है, चींटी और हाथी के अंदर कोई दूसरी आत्मा नहीं है, हमारे अंदर कोई दूसरी आत्मा नहीं, वही परमात्मा की बेटी, उस परमात्मा के बच्चे, सतलोक सचखंड की रहने वाली है। ये सारी आत्मा स्त्री, आत्मा स्त्रीलिंगी होता है, ये सब आत्मा का पति परमात्मा अकेला है, बाकी तो सब स्त्रियां ही है, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में, है तो आत्मा ही है ना, परमात्मा तो नहीं है क्या? और आत्मा जहां बैठा है वो स्त्री है, यहां अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए एक एक शरीर में एक एक तरह का रूप धारण कर लिया है। कहते वो परमात्मा अकेला है, इन सबका पति है और ये सब वहां से आई है, अपने पति परमात्मा से मिलके ये सुहागन हो सकती है, नहीं तो इस दुनिया में किसी भी चीज में सुख और शांति नहीं। तो इसीलिए आप महात्मा कहते हैं किस तरह से आत्मा मन और इंद्रिय के दायरे में कैद होके और कर्म करके इतना मलिन हो गई कि आत्मा भी नहीं जीवात्मा बनी बैठी है, अपने आप को भूल गई। मन इंद्री संबंध कर पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख मेरी बही चौरासी दार। तो वही कहते हैं कि इस तरह से मन इंद्री के दायरे में कर्म करके ही आज 84 के जेल खाने में आत्मा भटक रही है, नहीं तो और कोई ताकत नहीं जो इसे नीचे लेके जाए, खाली ये मन का साथ छोड़ दे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि देखो भाई, इस दुनिया में आपका शत्रु कोई और नहीं, सब अपने भाई बंधु हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपके अंदर ही बैठा हुआ आपका मन, उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। अगर हम मन का कहना मानेंगे कभी भक्ति नहीं करने देगा, ये झूठे दुनिया के चिंतन में लगा के कहते हैं हमें दुखी बनाएगा, 84 के जेल खाने में भटकाएगा, 84 लाख के खान में। अब देखो जीव जो मानव शरीर में अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ भक्ति अच्छे कर्म करते हैं, हालांकि वो भक्ति पूरी हो जाए तो मुक्त भी हो जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में पहुंच जाते हैं। अगर कुछ कमी रह गई तो सेठ साहूकार के घर में पैदा हो जाते हैं, भाई जो कुछ दिया है रुपए, 1 रुपया दान दिया है जो पिछले जन्म में, उसका हजारों मिलता है लाखों आगे के शरीर में। तो ऐसे आत्माएं हैं जो अपना जो कुछ एक किया है वो आज मिलता है, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो मानव शरीर में बिगाड़ लेती हैं बुरे कर्म करके पाप करके, और ऐसी आत्माएं, अब देखो एक अच्छे कर्म की हुई आत्मा अगर कुत्ते के शरीर में भी जाती है तो उसने मानव शरीर में किए कराए कर्म का इसको इनाम 84 लाख में मिलता है, दूसरे कर्म हिसाब में नहीं आते, खाली मानव शरीर में आते, क्योंकि दूसरे में आकाश तत्व ही नहीं है, इसीलिए कोई हिसाब में नहीं आता है। अब हिंसक प्राणी होते हैं, जीव को मारते हैं खाते हैं, तो कर्म में नहीं आता है, खाली एक मानव शरीर का ही, क्योंकि ये नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया है, और इस शरीर में परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके अपनी सारी बात साथ इसके अंदर रख के आपको अंदर बैठा है, ये उस मालिक से मिलने का दरवाजा है, ये नर नारायणी शरीर है, इसीलिए इसमें जो भी इंसान कर्म करता है सब लेखे में आता है,
और उसका इनाम इसको 84 में मिलता है। अगर इंसानी जामे में उसने पुण्य कर्म किए ज्यादा, पुण्य कर्म ज्यादा और पाप कम किए, अगर ऐसा आत्मा अगर कुत्ते के शरीर में भी जाता है कर्मानुसार, तो उसको उस शरीर में भी सुख ज्यादा और दुख कम होएगा, क्योंकि उसने इंसानी जामे में पुण्य ज्यादा और पाप कम किए, तो उसको उसमें भी सुख ज्यादा और दुख कम होएगा। ऐसे कुत्ते हैं जो कार में घूमते हैं, बेड पे सोते हैं, उनको घुमाने के लिए एक नौकर होता है, कहते वो भी कुत्ते ही है। और वो इंसान जिसने अपना इस मानव शरीर में बिगाड़ लिया, बुरे कर्म किए, पाप ज्यादा पुण्य कम किए, अब ऐसे आत्मा अगर कुत्ते के शरीर में जाती है तो उसको दुख ज्यादा और सुख कम होना, क्योंकि पाप ज्यादा पुण्य कम है तो दुख ज्यादा सुख कम होना। तो उसको ऐसे कुत्ते जो बाहर घूमते हैं जिनको रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है, फुटपाथ पे पैदा होते हैं, अगर वो पेड़ के भी शरीर में जाते हैं, पाप ज्यादा पुण्य कम वाले आत्मा जो मानव शरीर में बिगाड़ा है, तो उनको भी पहाड़ों पे पैदा होते हैं जहां पानी नहीं मिलता, इनको 8 महीना सूखते रहते हैं, 4 महीना पानी मिलते हैं, अरे होते हैं। तो ये कर्म ही है, हमें उस जगह लेके जाता है। तो हम मालिक की कोई गलती नहीं, गलती हमारी ही है, हम मालिक को कोसते हैं। परमात्मा के पास न्याय नहीं है, एक को इतना दिया कोई खाने वाला नहीं, और एक रात दिन हाथ पैर मारता है उसको खाने को पूरा नहीं होता है, परमात्मा के पास न्याय नहीं। कहते नहीं भाई, परमात्मा के पास न्याय है, वो क्या करे, यहाँ काल का कानून है, कर्मानुसार ही देना पड़ता है, ज्यादा नहीं दे सकते। जिसने मानव शरीर में जैसे जैसे कर्म किए उसको वैसा वैसा ही मिलना है। कर्म प्रधान जगत कर राखा, जो जस करे तो तस बल चाखा। कालकर्ता ने दुनिया बनाई है, कर्म प्रधान रखा है, अब जीव जैसे जैसे कर्म करता है आगे उसको वैसे वैसे ही मिलता है। इसलिए महात्मा कहते भाई देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो बनाएंगे उस मालिक का भजन बंदगी, कुछ दान पुण्य कर्म अच्छे करेंगे, फिर से भवसागर में नहीं आना, क्योंकि यह सुख दुख की नगरी से छुटकारा पाना, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, और गुरु हमारी जवाबदारी लेता है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी सवेरे उठ के 2-2.5 घंटे भजन सुमरन में दें, कुछ अपने कर्म आप भी काटें, जिससे गुरु को आसानी हो हमें ले जाने में, सब गुरु के ऊपर नहीं डालें। सवेरे उठे 2.5 घंटा कोई ज्यादा नहीं होता, एक 24 घंटे का 10वां हिस्सा है, हमें अपने आत्मा के उद्धार के लिए देना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन मन धोखा देता है। मन जो है रात दिन छूटे दुनिया के चिंतन में हमें लगा के रखता है, भजन सुमरन का ख्याल भी आने नहीं देता, इस तरह से भ्रम में डाल के रखता है। तो कहते ये मन के धोखे, तो हमें गुरु का हुक्म मानना चाहिए, सत्संग सुन के उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुन के हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सत्संग सुन के उसके ऊपर जब चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आना ही आना है 100%, और गुरु की कृपा फ्री में मिलेगी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सत्संग इस कान से सुन के इस कान से मत निकालो, उस पे 1-2 घंटा 3 घंटा उस पे मनन करो, मनन करके उसको अपने आचरण में लेके आओ, चलो तो देखो सत्संग रंग लाएगा, आपके बहुत सारे कर्म सत्संग से कटेंगे, क्योंकि साधु संतों के वाक्य निर्मल होते हैं, प्रेम और प्यार से सुनने से हमारे बहुत सारे पाप कटते हैं। इसीलिए तो कहते भाई सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीर्थ नहीं,
बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है, शरीर के मैल उतर जाती है, लेकिन जो कर्मों की मैल हमारे मन पे अंदर चढ़ी हुई है, उस कर्मों की मैल को धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं है। वो साधु संतों के वाक्यों में है। साधु संतों के वाक्य निर्मल होते हैं, वो प्रेम प्यार से सुनने से हमारे बहुत सारे पाप कटते, मन निर्मल होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, सत्संग सुन के घंटा दो घंटा आप किसी से बात मत करो, उसी विचार में लगे रहो और उसको वो आपके अंदर घर करेगा। जब आप उस पर चलेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। एक सत्संगी का आचार विचार व्यवहार बदल जाता है, उसको देखने से ही मालूम होता है कि ये कोई पूरे गुरु का शिष्य है। अगर नहीं चलेंगे तो हम जहां के ताई रह जाएंगे, हम गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, नाम भी कुछ नहीं कर सकता, जब नाम का सुमरण नहीं करेंगे तो। अगर सुमरण करेंगे तो परिवर्तन आना ही आना है। अगर सत्संग पे भी अमल करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो भी परिवर्तन आना ही आना है। ये दो बड़ी चीज है। कहते हैं, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये बड़ा दुर्लभ चीज है, संतों का समागम और सत्संग बड़े भाग्य से मिलते हैं। बाकी तो सब अपने कर्मानुसार मिलते ही है, वो कोई भाग्यशाली नहीं होता है। भाग्यशाली तो वही है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके सदगुरु मिल गए। जिसको सदगुरु मिल गए उनका लेखा नहीं पड़ा, उनका आना जाना खत्म हो गया। वो आज नहीं तो कल अपने पिता के पास जरूर पहुंचेंगे, सतलोक सचखंड जरूर जाएंगे। तो कहते हैं, इसीलिए आप इशारा देते हैं किस तरह से आत्मा पवित्र और निर्मल थी, लेकिन काल और माया ने मांग के लाके इन शरीर रूपी पिंजरे में कैद कर दिया। माया ने पांच चोर हमारे पीछे लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये आत्मा हमारे कब्जे से निकल के जाने नहीं पर पहरेदार रख दिया और निरंजन मन रूप में अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया। और इस तरह से यह आत्मा मन के दायरे में कर्म करके आज 84 के जेल खाने में भटक रही, जीवात्मा बनी बैठी है। आत्मा नहीं, जीवात्मा। जन्म जन्म दुख मेरे से आत्मा अपने पिता अपने घर को भूल गई। मैं सतलोक सचखंड हमारा घर है, इस दुनिया को अपना देश समझ लिया, इस शरीर को अपना रूप समझ लिया और इस तरह मन के दायरे मन इंद्रियों के गुलाम बन के कर्म करके आज ये दुखी हो गई। आत्मा जीवात्मा बन गई। कहते हैं इसे शांति नहीं, 84 लाख शरीर में जाके दुख भोगती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, प्राणियों के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में जाके ये तरह तरह के अपने कर्मों का हिसाब चुका रही है। जो मन के दायरे में कर्म कर बैठते उसका हिसाब 84 लाख में चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जब ये आत्मा 84 लाख का चक्कर लगा लेती है, दुखी हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा को दया के हमें एक छोटा सा चांस मानव शरीर का देता है। ये मुक्ति का दरवाजा है, ये नर नारायणी शरीर है। जो कुछ परमात्मा ने शरीर में अपना सारा खजाना रखा है, हीरे जवाहरात माणिक के बंगले हैं अंदर में जहां आत्माएं रहती हैं। कहते परमात्मा ने इसको बड़े ढंग से बनाया है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता है। कैसे? क्योंकि इन आंखों से हम देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। ये क्या है? चमड़े की आंख है। ये काल और माया ने दिया है,
फना को देखने के लिए, झूठी चीजें देखने के लिए। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने भी कहा है, जन्म चक्षु न लक्षे ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते वो सत्य को देखने वाली आंख वो ज्ञान की आंख है, वो तीसरी आंख है। अगर वो खुल जाए तो हमें अपने अंदर जो परमात्मा ने, हमारे पिता ने खजाना भर के रखा, वो सब दिखाई देने लगते हैं, वो सब हमें मिल जाते हैं। हम दुनिया को देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हमें रोटी और कपड़े की चिंता लगी है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भाई क्यों? हम अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, इस दुनिया को अपना देश समझ लिया और यहाँ के लोगों को अपना समझ लिया, शरीर को अपना रूप समझ लिया, इसीलिए हमारी दुर्गति। महात्मा कहते भाई तुम शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, मट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला होगा तुम्हारे कर्मों के भुगतान के लिए, ये मट्टी ही है। हम बार बार कहते हैं जिस दिन आत्मा इस पिंजरे को खाली कर जाती है, इसके सारे अंग ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, आंख देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते और हाथ पैर गिर जाते हैं, ये मट्टी का ही है। ये सारा करामात तो आत्मा अंदर बैठ के कर रही है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा है, ये कोई परमात्मा से कम नहीं है। लेकिन आज अपने आप को भूल गई, अपने आप को मन इंद्रिय समझ लिया, अपने आप को शरीर समझ लिया और यहाँ आकर के मन के दायरे में कर्म करके पूरी तरह फंस गई, दुखी हो गई। और जिस भी शरीर में जाती है ऐसे सुख और शांति नहीं मिलता है। तो महात्मा कहते भाई गुरु का कहना मानो, संत हमसे और कुछ नहीं मांगते, वो हमें यहाँ दुखी देख के उनको तरस आती है। जो झूठे दुनिया से प्रेम प्यार करके रात दिन झूठे दुनिया का चिंता करके हाय हाय कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये नाम का स्मरण करके गुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा के आनंद में रहे। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, भाई तुम्हें बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म का त्यागने की जरूरत नहीं, कुटुंब परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने कुटुंब परिवार में रहो, नौकरी व्यापार धंधा बिजनेस जो करते हो करो, लेकिन गुरु का बन के करो, नाम का रूप होके करो, दुनिया का रूप होके करोगे धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वासा। अभी तक तो हम दुनिया के रंग में रंग के दुनिया कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का बन गए, अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटा लें, क्योंकि दुनिया झूठी है, ये काल और माया के धोखा है, इन नजरों से दिखाई देते हैं, ये धोखा है। आप ज्ञान की आंखें खोल के देखो, पता चलेगा कि काल जीवों को कितना धोखा दे रहे हैं, कितना बुरी तरह से फंसा दिया है। तो कहते भाई देखो ये काल के धोखे हैं, जैसे एक मदाड़ी तमाशा दिखाने वाला क्या करता है, मंत्र के ताकत से नजर बंद कर देता है और वो जो कहता है हमें वैसा ही दिखाई देता है। बाद में टोकरी में एक बच्चे को लिटा के उसको गायब कर देता है, उसको खड़ा होकर पैर से दबा के भी बताता है और बाद में क्या करता है, सब कुछ दिखा के बाद में हाथ में मट्टी लेके धूल बताता है, देखो धूल है, और नजर बंद करके फिर मंत्र के जरिए नजर बंद करके और रुपया बताता है, वो कहता है देखो रुपया बन गया, तो हमें रुपया दिखाई देता है। रुपया ही दिखाई देता है, अब बताओ उसको धूल का रुपया बनाने की ताकत हो तो बेचारा चारा नहीं आटा नहीं क्यों मांगता, कहते नजर बंद। तो कहते ऐसे ही है काल और माया के नजर बंद है दुनिया। यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं सब तमाशा काल और माया का है, जीव को फंसाने के लिए तैयार किया है।
आप गुरु का कहना मानो, वजन सुमरण करके नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में आ जाओ, आपकी ज्ञान की आंखें खुलेगी, सच्चाई आपको नजर आएगी, सैकड़ों जन्म की खबर हो जाएगी, जो मां के गर्भ में पहले थी ज्ञान वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मां के गर्भ में आत्मा को शब्द सुनाई देता था, ज्योति दिखाई देती थी, इसीलिए वो बच्चे को सैकड़ों जन्म का ज्ञान होता है, आत्मा को पिछले जन्म का, आगे का नहीं, पीछे जहां जहां से आया है वो सब देख के आत्मा घबराती है, डरती है, अरे पिछले शरीर में कैसे कैसे शरीर में कितना कितना दुख भोग के मैं यहाँ आया, ये भी काल कोठड़ी। तो बार बार उस मालिक से प्रार्थना करता है आत्मा, महाराज परमात्मा मुझे जल्दी इस काल कोठड़ी से निकालो, मैं आपके भजन सुमरण के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सेकंड सेकंड में प्रार्थना करता है। लेकिन जब 9 महीने पूरा हो जाते हैं, बाहर आने के पहले ही माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है, जो अंदर के इसके शब्द सुनाई देते थे, ज्योति दिखाई देती थी, वो बंद हो जाता है, सैकड़ों जन्म का ज्ञान चला जाता है, और इसीलिए वो बच्चा बाहर गिरते रोना चालू करता है कि मेरा वो ज्ञान कहाँ चला गया था, वो ज्योति और शब्द सुनाई देता था वो कहाँ चला गया, वो रोता है उसके लिए। कहते हैं माया सबको बोल भरम पर्दा डाल देती है, इसीलिए तो सुखदेव अचानक गर्भ के डर से, कहते कि वो इस डर से उन्होंने 12 महीना भी नहीं, 9 महीने के बजाय 12 महीना नहीं, 12 साल गर्भ में आसन डाल के बैठ गए, बाहर आने को भी तैयार नहीं सुखदेव, क्योंकि उनको मां के गर्भ में आत्मज्ञान हो गया था। तो इसीलिए अब पंचायत पड़ी विष्णु को, इसने तो हमारा सब खंडन कर दिया, हमारा कानूनी सब बंद कर दिया, अब विष्णु जा कहते भाई चल बाहर, कहता नहीं महाराज, आप पहले माया को हटाओ, थोड़े टाइम के लिए तुम्हें आऊंगा, नहीं तुम्हें नहीं आऊंगा, क्योंकि उसको मालूम है जाने के समय माया बोल बोल पढ़ा डालेगी, मेरा ज्ञान ध्यान सब चला जाएगा, इसके लिए वो डर के मारे नहीं आ रहा था। 12 साल बैठा रहा मां के गर्भ में, तो बाद में विष्णु ने जवान दिया चलो भाई, नहीं तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो 2 मिनट के लिए मैं माया को हटाता हूं, तू बाहर आ। तो 2 मिनट के लिए उन्होंने माया को दूर किया, सुखदेव गर्भ से बाहर निकले, 12 साल का शरीर लेके भागने लगे। तो माँ कह दिया कि अरे बेटा इतना दिन मैंने अंदर रखा, तेरा पालन किया, तो मेरे से बात भी नहीं करता, भाग रहा है, बोलते बाद में देख लेंगे। जाके जंगल में बैठ गए तपस्या में, वो एक बच गए। नहीं तो जो भी आता है उसको माया बोल बरम पर्दा डाल ही देती है, उसका सारा ज्ञान ध्यान पिछला भूल जाता है। ये वो खाल और माया के धोखे है। अब जैसे जैसे दूध पीता है भूल भरम बढ़ते जाता है, खाना खाने लगा भूल भरम और बढ़ गया, फिर यहाँ के लोग उसको भ्रम में डाल देते हैं, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा काका है। वो परमात्मा को जो जवाब दे के आया था वो बेचारा भूल ही गया। तब महात्मा आके जागृत करते हैं, देखो भाई तुम तो माँ के गर्भ में जवान दे के आए हो, अब यहाँ आकर के तुमने उस मालिक को बुला दिया था, जिसको सेकंड सेकंड में कहा था कि तुम्हारे सुमरन भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, जिसने 9 महीने तुम्हारे गर्भ में रक्षा किया, जिस पिता ने, क्योंकि उसकी याद में होने से, और बाहर आकर के तुमने उसे बुला दिया, मैं मेरा मेरा आ गया, मैं मेरा मेरा, कहते उसे बुला दिया। इसीलिए महात्मा आके फिर से याद ताजा करते, देखो भाई तुमने
वहां उसे जवाब देके आए हो। वही महात्मा कहते हैं कि आज भी याद करो पिता को, सुमरण करो, सुमरण करो। जो पिता ने 9 महीने मां के गर्भ में संभाला, आज वो क्यों नहीं संभालेगा? आप उसको याद करोगे, तुम्हारे बहुत सारे दुख दूर होते जाएंगे आज भी। लेकिन हमारी क्या हालत है, कहते हैं सुख में सुमरण ना करे, दुख में करे याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। हम तो सुख में उस मालिक को भूला भुला देते हैं, मैं मेरा मेरा, और जब दुख मुसीबत आती है तो मालिक को याद करने को बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं लोटा लेके जल चढ़ाने को, पूजा करने को। क्यों? हम अपने दुख के हटाने के लिए, मालिक के लिए नहीं। वो मालिक को समझता है ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे याद कर रहा है, इसके अंदर प्रेम प्यार नहीं है, फिर वो दर्शन नहीं देता है। क्योंकि दुनियादार को जरूर हम टोपी डाल सकते हैं, लेकिन उस मालिक को टोपी नहीं डाल सकते। वो तो घंट घंट के जानता है, उसको पता है इसका प्रेम कैसा है। तो इसीलिए कहते भाई सुख में भी उसका सुमरण करो, दुख में भी सुमरण करो, तो दुख आएगा ही क्यों, वो जरूर सुनेगा। लेकिन हमारा उल्टा न्याय है, सुख में भुला देते हैं और दुख में मालिक को याद करने की कोशिश करते हैं, कौन सुनेगा? तो कहते हमेशा उसको याद करो, सुख में भी दुख में भी, तो दुख जरूर दूर हो जाएगा। जी सुध भूली कर आदि की सत पुरुष दरबार नर देही जब जब मिली किया न सतगुरु प्यार। तो ये सारा देते हैं कि उस मालिक की कृपा से जब जब भी हमें मानव शरीर का मौका दिया परमात्मा ने, किया न सतगुरु प्यार, तो हमने गुरु की शरण ले ली, मन माया धोखा दे दिए, फिर इसे झूठे दुनिया के प्रेम प्यार और बहकावे में पड़ के इतना अमूल समय बर्बाद कर गए, और जाने के समय पश्चाताप। क्योंकि जिस दुनिया को आज हम अपना बनाए बैठे हैं, दुनिया दुनिया के सामान को, वो जब अंत समय में हमारा साथ छोड़ने लगता है तो बड़ा दर्द होता है, क्यों हमने उससे प्रेम प्यार किया है, बड़ा दर्द होता है। और जीव वही आशा लेके जाता है, फिर उसे में आता है, जहां आशा तहां वासा, और इस तरह से ये दुखी हो जाता है। तो वही कहते हैं कि जब जब भी उस मालिक ने मौका दिया मानव शरीर का, नर नारायण शरीर मुक्ति के लिए, लेकिन मन और माया ने मार लिया, धोखा दे दिया, और भूल भरम में हमारा समय चला गया, जो काम करना था वो नहीं किए, सतगुरु के चरणों से प्रेम प्यार नहीं किए। तो महात्मा कहते देखो भाई ऐसा सुंदर समय परमात्मा ने दिया है, मानव शरीर भी मिला है, सतगुरु का शरण भी मिला है, अब हमें चाहिए कितने जन्म हमने माया को दिया, एक जन्म गुरु को दे दे तो क्या होता है। कितने सिर माया को दिया, एक सिर गुरु को दे दे तो क्या होता है। लेकिन गुरु उतना भी नहीं करते, कहते भाई 2.5 घंटा बस, हमें रात दिन नहीं 2.5 घंटा दो बस, 21.5 घंटे दुनिया में खराबा करो, लेकिन 2.5 घंटे भजन सुमरण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए सवेरे उठ के बैठो, उसी से गुरु खुश है। और 2.5 घंटा किसके लिए कहा जाता है, संसारियों के लिए, गृहस्थी के लिए, जो बाल बच्चे को संभालना है, खेती गृहस्थी नौकरी धंधा करना है, उसके लिए 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा, ज्यादा किया तो अच्छा। और साधु जीवन जीने वाले को 6 घंटा बैठना चाहिए, सावन सिंह महाराज जी कहते थे जो साधु बन के दुनिया में रहना चाहते हैं उनको 6 घंटा वजन करना चाहिए।
तब तो जाके बेड़ा पार होता है। तो गदर इस तरह से, क्योंकि ये नरनारायण शरीर है, आपका एक एक श्वास बड़ा कीमती है, कहते वो धन इकट्ठा कर लो जो धन आपके साथ जाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा नाम रूपी धन। इसके लिए आपको बैठ के ही भजन सुमरण करने की ऐसी कोई बात नहीं, खाना बनाते हुए सुमरण करो, रास्ता चलते हुए सुमरण करो, खेती में काम करते हुए सुमरण करो, सरल में वो सब आपके पल्लेखे में जमा होते जाएगा। आपने दिन में एक बार सुमरण किया समझो हमारा 1,00,000 बैंक बैलेंस हो गया, और इस हिसाब से करो। कुछ लोग क्या करते थे, आदत डालने के लिए छोटे छोटे गेहूं ले लेते थे एक मुट्ठी, नहीं तो एक पाव, जितना सुमरण किया एक गेहूं हटाते जाते थे, गिनते जाते थे। माने इस तरह आज हमने पाव किया, आधा शेर किया, माने उसे बहुत होता नहीं गेहूं। इस तरह से आदत बनाने के लिए, अब जब आदत बन गई, पहले मन को सुमरण से जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है, और बाद में मन को थोड़ा नाम की लज्जत मिलती तो मन ही करने लगता है। तो आप किसी से बात भी करते रहो तो मन सुमरण से जुड़ा रहता है, जाप अजूबा हो जाता है। जब मन से सुमरण चलने लगा तो सांप का काम बन गया, तब आपके रोज चढ़ाई करने लगते हैं, तो अनहद भी प्रकट हो जाता है। लेकिन ये तीनों नाश होने वाले, कबीर साहब ने कहा है ना, जाप मरे अजूबा मरे अनहद भी मर जाए, सार शब्द चिन्हे बिना फिर भटका खाए। गुरु हमें नामदान के दिन सार शब्द से जोड़ता है, सार शब्द पार ब्रह्म का शब्द है, काल के कंपाउंड के पार का। कहते जहां जिस शब्द से गुरु हमें जोड़ा होता है हमारी रूह वही जाती है, काल कंपाउंड के अंदर नहीं जोड़ते संत। काल क्या करता है, पहले हमारा निरत रूपी दौर को निचले मंडल पे जोड़ा होता है, वो नामदान के दिन ये क्या करते हैं, ये काल कंपाउंड से ऊपर जोड़ते हैं उसको, निरत रूपी डोर को जहां जोड़ते हैं ये मर के वहीं जाएगा। और गुरु अंत समय आता ही आता है, वो अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि नामदान दिन से हमारी जवाबदारी गुरु के पास आ गई, हमारा लेखा जोखा धर्मराज के डिपार्ट से चेंज हो गया। क्योंकि वो रजिस्टर जिस दिन गुरु नाम देता है, कर्मों का लेखा जोखा गुरु के हाथ में आ जाता है। तो कहते हैं कि उसीलिए गुरु के हाथ में होने से, धर्मराज के पास लेखा जोखा नहीं होने से यमदूत आते भी नहीं, क्योंकि यमदूत को कैसे भेजेगा, उसके पास रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जिसके पास रिकॉर्ड है उसको आना ही पड़ता है, तो गुरु को आना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई लास्ट टाइम में वो अगर थोड़ा भी भजन स्मरण करता है, सत्संग में हाजिरी दे रहा है, तो गुरु जरूर आते हैं। लास्ट टाइम में अगर घंटा दो दो घंटे बैठने वाले को तो दो दो तीन तीन दिन पहले भी सूचना मिल जाती है कि फलाना दिन फलाने घंटे को आपको आना है। गुरु अंदर दर्शन दे के शब्द प्रकाश प्रकट कर देता है और सूचना देता है कि फलाना दिन फलाना टाइम को तुमको आना है। तो उस समय शब्द प्रकाश प्रकट कर देता अपने दया से, जिसको बड़ी खुशी होती है, और यह जाने के इंतजार में होता है कि कब जाएंगे और गुरु के उस आनंद के स्रोत में, गुरु के चरणों में समाएंगे, तो उसको दुख नहीं होता है, बाल बच्चे छोड़ के जाने में आनंद होता है। दो प्रेमी थे जो दोनों दो दो घंटे भजन करते थे, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी बीमार हो गई, उसकी 65 साल की उम्र थी और पति का 68 साल इतना ही होगा। तो वो एक महीने से बीमारी की हालत में थी, तो दो दिन पहले महाराजा के अंदर सूचना दी है कि देखो कल नहीं परसों 10 बजे तुम्हें आना है। तो उसने कहा ठीक है महाराज। तो दूसरे दिन उसका पति प्राइवेट टीचर का काम करता था, उससे उसको बताया कि कल 10 बजे सवेरे में जाना है, महाराज ने मुझे सूचना दिया है।
तो बोला ठीक है कल मैं छुट्टी लेके मैं भी रहूंगा। तो उसने भी एक दिन का छुट्टी लेके और पास में ध्यान बैठा था और बाद में ठीक 11 बजे वो सोई हुई थी महाराज।